हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए थर्ड सेमेस्टर की एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर थर्ड है, दो पार्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ, सिलेबस की वीडियो दे चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है फटाफट से जाके पहले वो देख लीजिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी वीडियोस में बताया था कि भाई सारी वीडियोस देखना, पेपर से पहले सारी वीडियोस अगर आप देखते हो बिना स्किप करे हुए तो आपके फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं और आपको कहीं से कोई भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो तो बेटा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये पार्ट नंबर थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कई बार पेपर में आता है बेटा। जब भी आएगा ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, जब भी पेपर में पूछा जाएगा लॉन्ग में पूछा जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पास्कल्स लो बेटा, जब भी ये पूछा जाता है लॉन्ग में ही पूछा जाता है। आ रही जी बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन हम और ले लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो सारी वीडियोस देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और बेटा जिन भी बच्चों को जरूरत हो उन तक जरूर पहुंचा दो। अपना प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। थोड़ा फोन वगैरह आ गया था तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मन लगा के देखना, मजा आएगा पूरा। तो बेटा देखो, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको परम्यूटेशन के क्वेश्चन लिए थे ज़्यादातर। अब देखो, जैसे जो परम्यूटेशन मतलब एनपीआर वाले क्वेश्चन लिए थे बेटा, इसमें एनसीआर वाले हमें फॉर्मूले लगाने हैं और एनसीआर वाला फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है? ये पास्कल्स लॉ क्या कहता है, क्या सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएंगी दो मिनट में। पहले देखो, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, जो एनपीआर का फॉर्मूला था परम्यूटेशन का, एनपीआर का फॉर्मूला होता है बेटा फैक्टोरियल एन और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। और एनसीआर का कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल एन और आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। और ये जी बात समझ में? तो एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूले में ये अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आ रही जी बात समझ में? अब इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं? इसका प्रूफ करने वाले। ये आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे, इस पर मैंने क्वेश्चन करें और इस पर इस वीडियोज में और अगली वीडियो में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बैठ जाए ना, तू बैठ जा, बैठ जा, ठीक है? तो देखते हैं फटाफट। अब देखो यहां ये क्या कर रहे हैं, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। तो यहां सबसे पहले हम एलएचएस साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एलएचएस। तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, तो जो एनसीआर का फॉर्मूला होगा ये लिखा हुआ, लिख दीजिए यहाँ फैक्टोरियल एन और आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है? प्लस यहाँ पर देखो एनसीआर वाला ही फॉर्मूला लगाना है, बट यहाँ पर क्या दे रखा, आर माइनस वन। तो देखो सेम एज इट इज, एन फैक्टोरियल और अपोन में ये आर माइनस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि आर का फैक्टोरियल होता है और आर का काम यहाँ क्या कर रहा है, आर माइनस वन। फिर बेटा n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, तो देखो ध्यान से n माइनस, अब ये r माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, ये r प्लस वन, क्योंकि बाहर माइनस तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। किसकी जगह पर रखा मैंने, r की जगह पर r माइनस वन पुट कर दोगे। क्लियर है वाली बात? यहां तक अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत आपको हो नहीं सकती है। मैंने यहां पर ये वैल्यू पुट करी है, फॉर्मूले का यूज मैंने यहां पर किया है। अब देखिएगा ध्यान से देखना भाई, ये n फैक्टोरियल सेम एज इट इज ऐसे ही रहने दो। देखो क्या करते हैं, जैसे ये r फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, r और r माइनस वन का फैक्टोरियल। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ मेरा r माइनस वन फैक्टोरियल है तो इसे मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। क्या ले लेंगे, यहाँ पर इसे कॉमन ले लेंगे। अभी देखो n माइनस r फैक्टोरियल है, n माइनस r फैक्टोरियल, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूंगा तो n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल, बट वहां से मेरा कोई बेनिफिट मिलना नहीं, तो मैं इस वाले को चेंज करूंगा, इसको सेम एज इट इज ही लिखूंगा मैं, n माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस इसको n फैक्टोरियल ही और ये r माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखो बेटा, इसे लिखने में मेरे को फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे लिखूंगा फैक्टोरियल की टर्म में तो n माइनस आर और ये प्लस वन दे रखा है तो फिर माइनस वन भी लगाना, क्योंकि फैक्टोरियल जब निकालते हैं पीछे को टर्म जब जाती है तो माइनस लगाते हैं, तो प्लस माइनस का वन मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या बनेगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ मैंने एक स्टेप काट दिया है तो पूरा आपको करके आना है भाई, यहाँ आपको दिखाना है एन माइनस आर प्लस वन और माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है? अच्छा, पहले आपको ये भी लिखना होगा, हाँ
ये प्लस वाला वन और ये अगर आप लिखोगे तो n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि माइनस वन और प्लस वन आपस में कट जाएंगे, तो ये चीज भी आपको लिखनी होगी। क्लियर है वाली बात? ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से सारे क्वेश्चन का वो बनना है, देखो पूरा बेस यहीं से बनना है। इसके बाद देखो बेटा हम ले लेंगे यहां से कॉमन, ऊपर से कॉमन आ जाएगा एन फैक्टोरियल और अपोन में देखो क्या क्या कॉमन है, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है, बाहर आप ले सकते हो, और एन माइनस आर फैक्टोरियल यहां पर भी, एन माइनस आर फैक्टोरियल यहां पर भी है, ये आ गया, तो यहाँ वन बच जाएगा और अपोन में ये आर, केवल आर बचेगा, क्या बचेगा, केवल आर ही बचेगा, क्योंकि आर माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ गया और एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी वन बचेगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया और एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस आर और प्लस का वन। क्लियर है वाली बात? अगर ये वाली बात क्लियर, देखो अब यहाँ करते हैं, ये फॉर्मूले नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल और अपोन में r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है वाली बात? अब बेटा इसका एलसीएम वगैरह ले लोगे आप, क्या ले लोगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ले लोगे तो देखो ये क्या बनेगा, r, ये r और n माइनस आर और प्लस का वन। क्लियर है वाली बात? इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो n माइनस आर और प्लस का वन और ये प्लस का r। क्लियर है वाली बात? देखो ध्यान से देखिएगा, एक साइड हो जाता हूँ मैं, एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा सा बस एक साइड हो जाया करें आप जब भी नोट करने के लिए कहा करें, तो ध्यान से देखो यहाँ मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। क्लियर है? बार बार बोल रहा हूँ, पेपर माने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, समझ में ना आए तो रट के चले आना, पर तैयार करके जरूर जाना। आ रही है ना बात समझ में? ये बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद बेटा आपको मिला n फैक्टोरियल और अपोन में r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर मेरा प्यारे बच्चों बन जाएगा n प्लस वन और नीचे बनेगा r और n माइनस आर प्लस वन, ये बन गया। अब ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल और ये n प्लस वन दिया हुआ है, तो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो भाई, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, n प्लस वन का फैक्टोरियल, n प्लस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि अगर आप n प्लस वन के फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो दोबारा ये टर्म आ जाएगी ना, n प्लस वन ऐसी रखोगे n का फैक्टोरियल, आ रही है ना बात समझ में, माइनस वन टर्म करते हैं ना, ये क्लियर है वाली बात, तो n प्लस वन का फैक्टोरियल आप इसे लिख सकते हो। इसके बाद ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई, देखो मेरा जो आर एच एस है, जो मेरा आर एच एस है उसमें आर फैक्टोरियल, अब देखो यहाँ आर माइनस वन और ये आर, जो ये दे रखा है आर माइनस वन और ये आर, तो बेटा इसे आप क्या लिख सकते हो, आर फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हो, आर फैक्टोरियल, क्योंकि अगर आप आर फैक्टोरियल को सोल्व करते हो तो आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। सेम एज इट इज यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, ये जो आपको दे रखा है एन माइनस आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन, ये जो आपको दे रखा है सिंपल है बिल्कुल भाई, इसे आप क्या लिख दोगे, n माइनस आर और प्लस वन का फैक्टोरियल, क्या लिख दोगे, n माइनस आर और प्लस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि अगर आप इसे सोल्व करते हो तो देखो यही लोड करा जाएगा भाई, n माइनस आर प्लस वन और इनटू में n माइनस आर का फैक्टोरियल, दोबारा ये चीज लोड कर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब बेटा आपका ये जो बना है प्यारे बच्चों, ये जो आपका बना है, ये क्या बना है आपका, पास्कल का लो, यही तो बोलता है भाई, ये किसका फॉर्मूला बन गया, n प्लस वन और c r, इसका ही तो फॉर्मूला बन गया, देख लो आप, क्योंकि अगर आप इसे ओपन करते हो तो यही चीज लोड कराएगी भाई, ये n प्लस वन फैक्टोरियल और यहाँ r फैक्टोरियल होते हैं तो r फैक्टोरियल और n माइनस आर और प्लस वन का फैक्टोरियल। क्लियर है वाली बात? अब लिख दोगे यहां बेटा, हैंस प्रूव्ड, जब भी ये थ्योरम या लॉ पूछा जाएगा, जब भी ये पूछा जाएगा लॉन्ग में पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखें, कितने में पूछा जाएगा, लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करो, कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो बार बार आप पूछ लो। देखो जो आपकी बीसीए थर्ड सेम की जो आपकी एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स है या कह लो मैथमेटिक्स है, वो आपकी कैलकुलेशन पर बेस्ड है, अगर कैलकुलेशन में आप गलती कर रहे हो तो देखो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी देखो एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, अगर यहां कुछ भी समझ में ना आए तो डायरेक्टली ये वाला पॉइंट लिख कर आना, छोड़ के कुछ नहीं आना, आपको पेपर में छोड़ के कुछ भी नहीं आना। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं
जो हमें पता नहीं होती किस तरीके से हो रही है, पर मेरे को इसमें रिजल्ट तो मिल रहा है कि कुल मिलाकर मेरे को लेकर तो यही आना है, तो थोड़ा सा कुछ करो लास्ट में ही लिख दो अगर जब समझ में ना आए। पहला तो सीख ही लो, देखो मैंने सिखाने की पूरी कोशिश करी है, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया तो आप बार बार पूछो। पर ये देखो मेरा मन मानता है कि बार बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस बार भी ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। आ रही है ना बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन लेते हैं एनसीआर वाले फॉर्मूले पर, थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है भाई। एनपीआर पे हमने करे हैं और एनसीआर पर अब लेते हैं दो चार क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। बाकी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट रूल था, पास कर लो, पेपर माने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। तो बेटा ये है आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि अभी पास कर लो जो हमने प्रूफ किया था उस पर ही बेस्ड है। और बेटा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बहुत बार पेपर में पूछा गया और जब भी पूछा जाता है ये 3-4 नंबर में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, और ये मैं पास कर लो जो अभी मैंने प्रूफ किया है ये मैंने यहाँ लिख भी दिया। देखो पहले क्वेश्चन को हमें पहचानना है, ये 13C6 दे रखा है और 13C5 दे रखा है, तो इट मीन्स NCR और NCR-1। देखो जो यहाँ पर नंबर है वो दोनों सेम लिखे हुए हैं, N और N, और यहाँ पर देखो 6 है, मतलब जो R की वैल्यू वो 6 है, और R-1 अगर 6 में 7 घटा दूंगा तो 5 आ जाएगा। तो डायरेक्टली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N+1 और CR, ये मैं लिख सकता हूँ। तो बेटा जो मेरा N+1 और CR, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, N+1 का फैक्टोरियल और अपोन में जो R है R का फैक्टोरियल, और N+1 और माइनस R का फैक्टोरियल। भाई ये होता है फॉर्मूला जो मैंने अभी प्रूफ भी करा है, या इसे R को आगे लिख दो N-R+1 का फैक्टोरियल, ऐसे करके भी आप इसे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो बेटा डायरेक्टली इसको मैं इसी पर बेस्ड करूंगा, ठीक है भाई। जो मेरा 13C6 और प्लस का 13C5, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 13+1 तो 14 का फैक्टोरियल, और अपोन में क्या लिख सकता हूँ, देखो 14 का फैक्टोरियल और R का काम क्या कर रहा है, R का काम मेरा कर रहा है 6। चलो मैं इसे डायरेक्टली पहले लिख ही देता हूँ, 14C6 मैं इसे लिख सकता हूँ 13+1 में तोड़ के, ठीक है। तो मेरे को 14C6 मेरे को सोल्व करना है, तो 14 का फैक्टोरियल और अपोन में 6 का फैक्टोरियल, और क्या होता है देखो फॉर्मूले में क्या होता है, N-R, तो 14-6 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 14 का फैक्टोरियल और अपोन में 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14 में 6 गया तो 8 का फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे 8 का फैक्टोरियल। अब देखो बेटा इसे सोल्व करना, डायरेक्टली कुछ बच्चे ऐसे भी पेपर में करके आते हैं, मैंने कई बार देखा है जैसे इन दोनों की आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सोल्व करने में लगे पड़े हैं। बट बेटा मेरे को फैक्टोरियल सोल्व करना है, तो फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट बोलता है, पहले मेरे को कम की फॉर्म में इसे तोड़ लेना है। जैसे 14 को मैं लिखूंगा 14 × 13 × 12 × 11 × 11 × 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि मेरा नीचे 8 फैक्टोरियल दे रखा है, तो मैं इसे इस तरीके से ही तोड़ दूंगा। आ रही है ना बात समझ में? मैं इस तरीके से तोड़ दूंगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, 8 फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन गया, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो भाई 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 और अपोन में 6 का फैक्टर, इसे खोल लो, इसे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब बेटा इसका कैलकुलेशन कर दो, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्लियर है वाली बात। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये है आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत सिंपल, बहुत आसान, और एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में भी आपको देखने के लिए पक्का मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, एक बार मैं पढ़ देता हूं और बता देता हूं कैसे करना है। ये कह रहा इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ 10, मतलब एक स्पोर्ट्स टीम है 10 बंदे हैं उसमें, तो उसमें मेरे को 5 स्पोर्ट्समैन सेलेक्ट करने हैं। देखो एक बार मैं लिखता हूं, इन हाउ मेनी वेज, मतलब कितने तरीके से आप 5 स्पोर्ट्समैन को सेलेक्ट कर सकते हैं एक 10 ग्रुप के बंदों की
टीम में, आ रही बात समझ में, ये क्वेश्चन दे रखा। तो बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो ग्रुप कितने बंदों का है, इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। और एक बार अगर इसकी मेरे को एक तरीके से एक इक्वेशन बनानी आ गई तो मेरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ग्रुप कितने बंदों का है, 10 बंदों का, ठीक है, सी। और कितने बंदों को सिलेक्ट करना है, 5 बंदों को। तो ये कह रहा कितने वे, हाउ मैनी वेज, देखो यहां लिखा हो हाउ मैनी वे, कितने सारे वे हो सकते हैं। तो मेरे को केवल वो वे बताने हैं। तो वे बताने का तरीका भाई एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाइए और फटाफट से इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो 10 CR, तो देखो क्या होगा फॉर्मूला भाई, एनसीआर का मैं लिख देता हूं यहां दोबारा, एन फैक्टोरियल और अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बार बार लिखने का केवल एक ही वो है कि जिससे आप सब बच्चों को याद हो जाए, और जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें फटाफट से ये फॉर्मूला याद हो जाए बार 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 बार, इसी वजह से मैं केवल ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो 10C5, तो देखो फटाफट से देखो 10 का फैक्टोरियल और R मतलब 5 का फैक्टोरियल और n माइनस आर, तो 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो बेटा ये बनेगा 10 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। बेटा अब इसे आसानी से सोल्व कर दो। कुछ बच्चे ऐसे नालेपना भी दिखाते हैं, इनसे डायरेक्ट ऐसे ही काट देंगे, या इन्हें 5-5 की मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मत करके आ जाना, समझ रहे हो ना। फैक्टोरियल पहले ओपन करो, कैसे देखो यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और अपॉन मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 5, 4, 3, 2 और ये 1 और ये मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। इस वाले से तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दो 5 फैक्टोरियल दे रखे हैं ना। अब देखो भाई ये दे रखा तुम्हें 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 और ये 2 और ये 1 लिख दो। अब बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा आपका फाइनल रिजल्ट होगा। देखो कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो और भी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आ रही ना बात समझ। बाकी देखो ज्यादा नहीं, इससे ये काट दो 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, ये बनेगा आपका। तो इससे बेटा आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, कि इसके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा भी नहीं होता। अगर आप आराम आराम से बिल्कुल इत्मीनान से बिल्कुल पेशेंस के साथ अगर कैलकुलेशन करोगे और सही वे में करोगे तो बेटा आपका आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो इस वीडियो मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, आप देखो जितना भी हो सके अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तीसरा पार्ट ये मैं आज अपलोड कर दूंगा, फटाफट से इसे पूरा देख लेना, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं, और बार बार मैं आपसे बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर का नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ट्रस्ट बनाकर रखना, बिना स्किप करे वीडियो को देखना। दिन के 20 से 25 मिनट, 18-20 मिनट निकालने आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और अगर इतना भी नहीं निकालोगे तो बेटा बेकार है मामला, ठीक है। तो बस इस पार्ट को हम ये रखेंगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर छोड़ा करो, इससे मेरे को भी छोटा सा मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी अपना प्यार बना कर रखें, सपोर्ट बना कर रखें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कोई कुछ भी पूछना चाहता हो तो देखो यार व्हाट्सअप चैनल भी है, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी आप पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सअप चैनल से भी जरूर जुड़ो क्योंकि वहाँ भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। बाकी नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, और जितने बच्चों ने पहले पार्ट नहीं देखे फटाफट से उन्हें जाके भी देख लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।